ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा कुबेर यंत्र के बारे में। ये कुबेर भगवान का यंत्र है जो कि देवताओं के खजांची हैं। जितना भी लेन देन होता है उसका सारा मेंटेनेंस और उनका सारा रिकॉर्ड कुबेर जी रखते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स इजाद कर लिए थे जिससे कि उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। और यदि उनकी कृपा दृष्टि आप पर हो गई तो समझिए, अगर आप चल रहे हैं और चलते चलते कहीं ठोकर लगी तो वहाँ पर आपको सोने की ईंट मिलेगी। जब कुबेर भगवान की कुदृष्टि होती है तो टोटा आ जाता है, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता। लेकिन जब कुबेर भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं तो आपके भंडार भर जाते हैं। अगर आप दिन रात अपने पैसे लुटाएं तो भी वो ख़त्म ना हो। आज एक ऐसा प्रोसेस आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी बंद दुकानें खुल जाएंगी। किसी ने यदि आपका बिजनेस बांध दिया हो तो वो भी स्वतः ही चलने लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कंपटीटर ज़्यादा उन्नति करने लग जाए, ज़्यादा प्रोग्रेस करने लग जाए, तो उसके धंधे को बांध दिया जाता है। और उसके बाद चाहे वो कितनी ही लाख कोशिशें कर ले फिर भी उसकी दुकान नहीं चल पाती है। ऐसी अवस्था में भी कुबेर यंत्र सटीक काम करता है। बस ज़रूरत है तो इसको समझने की कि ये काम कैसे करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बाज़ार में जो उपलब्ध होते हैं यंत्र वो ले आते हैं, ना उनकी प्रतिष्ठा होती है ना सिद्धि होती है, और फिर कहते हैं कि हमें असर नहीं दिख रहा। तो जब तक यंत्र में प्राण नहीं डाले जाते तब तक सिर्फ वो एक कागज़ का या फिर किसी धातु का एक टुकड़ा है। जब तक आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई भी आत्मा नहीं आएगी और वो आपका काम नहीं करेगी। तो किसी भी मूर्त को, किसी भी यंत्र को जीवित करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद जो है वो एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद आपकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई मूर्त या फिर कोई यंत्र एक्टिव होता है तो उसे रोज़ खाना चाहिए होता है, और खाने में उसको चाहिए धूप दीपक, और दिन में तीन बार, कम से कम तीन बार उसके सामने आपको धूप दीपक दिखानी होगी। इससे वो जो है आपको और सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। यदि किसी कारणवश आप उसकी ये जो खाने की चीज़ें हैं ये नहीं दे पाए तो वो चीज़ अपना काम करना बंद कर देगी। अगर एक बार यंत्र ले लिया और उसके बाद उस यंत्र को देखा नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहा, तो भी वो काम नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपको उसको इस तरह रखना है जैसे कि वो जीवित कोई प्राणी हो या फिर कोई ऐसा जानवर आपके पास हो जो आपके हित में काम कर रहा है, लेकिन आपको उसको खाना खिलाना है। तो जब जब आपको भूख लगे तब तब यूँ समझिएगा कि यंत्र को भी भूख लगी है, और उस यंत्र को धूप दीपक जो भी आप खाएं वो थोड़ा सा अर्पण करें, और उसके बाद देखिए किस तरह से जो कुबेर भगवान हैं वो आप पर अपनी सारी दौलत लुटा देते हैं। इस यंत्र को कहा जाता है कुबेर यंत्र। जिसके पास ये कुबेर यंत्र होता है वो धरती का राजा है। इस कुबेर यंत्र में इतनी क्षमता है कि वो रंक से राजा बना दे, एक फकीर को भी उठाकर राजमहल दे दे। कई बार लोगों के पास कुबेर यंत्र होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनके पास दौलत कहाँ से आ रही है। तो कुछ ऐसे अंक होते हैं जब उनकी गणना की जाती है तो वो कुबेर यंत्र बन जाता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो कि जैसे कहीं बाज़ार में गए और वहाँ पर कोई प्रिंटेड यंत्र मिल गया और उसकी आप साधना करने लग जाएं तो उनको असर नहीं मिलते। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं यंत्र को बनाने में, यंत्र का निर्माण करने में। इसमें अपने ही कुछ नक्षत्र होते हैं, यदि उस सटीक समय पर ये ना बनाया जाए तो ये काम नहीं करेगा। इसका अपना समय होता है, इसकी अपनी धातु होती है, इसकी अपनी दिशा होती है। जब ये चीज़ें बनती हैं
तो ये सब कुछ देखा जाता है। और अगर आपको सबसे अधिक असर देखना हो कि एक हफ्ते में या फिर एक ही महीने में आपको काया पलट करनी हो अपनी, तो इसको सोने की धातु पर बनाएं, सोने का पत्रा जो होता है उस पर इसको बनवाएं, तो ये बहुत जल्दी आपको असर दिखाएगा। क्योंकि आप देखिए, सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो क्या है? गोल्ड है। गोल्ड एक ऐसा धातु है, एक ऐसी मेटल है जो कि ऊर्जा को बहुत जल्दी संचारित करती है। उससे नीचे आता है चांदी, और वैसे नीचे नीचे उतरते हुए सारे धातु आते हैं। तो यूँ समझिए कि जिस धातु में बिजली का प्रभाव सबसे अधिक होता है, वो धातु आपके लिए सटीक रहेगी। चाहे गोल्ड से ऊपर कोई और हो, वो भी आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन धातु में बिजली का प्रभाव होना चाहिए। और जितना अधिक ये एनर्जीज वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर पाएंगी, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। क्योंकि हमारी जो मानव की जो क्षमता है, सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, और कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जिन्हें मानव जो है ना देख पाता है ना सुन पाता है, लेकिन उनसे संपर्क साधने के लिए यंत्र होते हैं। इस दुनिया से परे एक दुनिया है जिसमें ये सब होता है, जो हम नहीं देख पाते ना ही सुन पाते हैं, लेकिन एक ऐसा संसार भी है जिसमें कि ये सारी शक्तियाँ रहती हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक मानव नहीं पहुँच पाएगा, कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल तप करके कुछ ऐसे यंत्र, कुछ ऐसे मंत्र निजात किए थे जिनसे कि हम वहाँ तक जा सकते थे, मतलब देख तो नहीं पाते थे उनको, लेकिन उनसे मतलब संपर्क साध सकते थे कि इस तरह से अगर हमने ये धातु यहाँ पर लगा दी तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कैच कर सकते हैं। जिस तरह से आपका रेडियो होता है, रेडियो में भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लो बैंड, हाई बैंड, वैसे ही यंत्रों में भी फ्रीक्वेंसी कैच करने की क्षमता होती है। तो जितना अच्छा धातु होगा उतनी ही अच्छी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जब कभी पैसों के लिए, मटेरियल के लिए कोई यंत्र बनता है, तो सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इस यंत्र को पूर्वमुखी होकर, और इसका जो नक्षत्र है वो रहेगा रोहिणी। यदि आप नक्षत्रों के बारे में ना जानते हों और चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सरल सा उपाय मिल जाए कि बस उस समय मैं कर लूँ तो हो जाए, तो आप कोई नक्षत्र मत देखिए। जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, होली दिवाली, उस रात में आप इसको बना सकते हैं। बस अपने मंदिर में बैठ जाइए, और मंदिर जो है, जब ऐसा मंदिर होना चाहिए जिसमें कि आपका जो मुख है वो पूर्व मुखी हो, वहाँ पर बैठकर लाल कपड़ा नीचे बिछाइए, लाल कपड़ा सिर पर रखिए, और इस यंत्र का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। यदि आप सोने के किसी पात्र पर इसको बना रहे हैं तो लोहे की कील या चांदी की कील, ये दो कीलें आप प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर आप इसको भोजपत्र पर बना रहे हैं तो आपको कुमकुम रोली और इसमें कमल रहे, जो कलम रहेगी वो रहेगी अनार की, इससे आप इस यंत्र को बनाइए। और इसकी प्रतिष्ठा जो है वो बहुत बड़ी है, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9992841625 पर, तो स्टेप बाय स्टेप्स आपको ये समझा दिया जाएगा कि इसको कैसे करना है। और इसके बाद इसको या तो अपने मंदिर में रखिए या फिर अपने जो गल्ला होता है उसमें रखिए। और यदि आपकी दुकान बंद पड़ी है, चल नहीं रही है, तो इस यंत्र को नारियल के ऊपर लगाकर, बाहर की तरफ यंत्र रहना चाहिए, और लाल कपड़े में नारियल बांध के उसके ऊपर ये यंत्र रखकर फिर उसको लाल कपड़े से ढक दें, और ऊपर जो है उसको मौली से बांध दें। इसके बाद इसको जो है ईशान कोण में टांग दें, तो आप देखेंगे कि एक महीने के भीतर भीतर कस्टमर्स का तांता लग जाएगा। जो दुकान बंद पड़ी थी अब वो चलने लग गई है। और ये होली दिवाली की रात में यदि आप करें तो बेहतर रहेगा। अगर सोने का आप बना रहे हैं, चांदी का बना रहे हैं, तो इसको अपने मंदिर में रखिए या अपने गले में रखिए, और रोज़ जब आप दुकान खोले तो इस पर जो है धूप दीपक दिखाइए। यदि आप यंत्र निर्माण में बिल्कुल नए हैं तो पहले आपको सीखना होगा कि यंत्र निर्माण कैसे किया जाता है। और यदि आपको
बना बनाया यंत्र चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9992841625 पर। व्हाट्सएप कीजिएगा कि मुझे कुबेर यंत्र चाहिए और ये मेरी डिटेल है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा व्यापार ठप पड़ा है, या फिर किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे गरीबी ने आपको घेर रखा हो, तो भी आप ये यंत्र मंगवा सकते हैं।